गाइस तो मैं जिन जैसे अफराज हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आए गाइस तो स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 8:30, मैं मस्त रेडी हो चुका हूँ। देखते हैं क्या चल रहा है घर के बाहर, क्योंकि आज थोड़ा सा चहल पहल ज़्यादा हो रही है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो गाइस घर पर थोड़ी चल रही है वायरिंग, सतवीर भाई आए हैं, भैया इनको थोड़ा काम बता रहे हैं, थोड़ी वायरिंग खराब हो गई थी, लाइट सही करवानी थी। भैया ने बुलाया सतवीर भैया को, तो वो डांट रहे हैं और काम करा रहे हैं भैया सतवीर भैया से हमारे। देखिए गाइस हमारे रहो भैया सुबह सुबह से उठ के भाई सिर्फ फोन में लग जाते हैं और बातें करते रहते हैं। देखो घंटों बैठ के ऐसे ऐसे देखो घंटों बैठ के बातें करते रहते हैं किससे, और ये भी नहीं पता था लड़की से तो नहीं करते, लेकिन बताए किससे करते हैं ये नहीं पता। घंटों घंटों बैठ के रोज देखिए हमारे क्या नाम सतवीर समीर भाई ले जा रहे हैं आइसक्रीम। कहाँ जा रहे हो, पार्सल लगाने? पार्सल लगाने ठीक है। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट बने हमारे यहाँ पे बड़े सूजी के चीला हैं, ये बन रहे हैं, माँ जी बना रही हैं, चलो खाते हैं। गाइस सुबह के बज चुके हैं 11:30। तो गाइस हमारे यहाँ पे एक आरा मशीन में एक अच्छा चैनल है, बहुत एंटरटेनमेंट चैनल, हमारे मनीष भाई नेते भाई उनकी टीम क्रू मेम्बर का है सारे। तो उन्होंने मेरे को अभी फ़ोन आया था नेते का, चलो उनकी शूटिंग देख के आते हैं, तो मेरी बात हुई, मैं जा रहा हूँ शूटिंग देखने के लिए उनकी, कितने अच्छे तरीके से करते हैं ये देखा, कुछ सीखने को मिलेगा कुछ नया, क्योंकि मेरे प्यारे छोटे भाई हैं, मतलब सबसे सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ, छोटे लोगों से भी बड़े लोगों से भी सीख के आते हैं। चलिए चलते हैं गाइस। देखो ये चल रही है शूटिंग पागल से ऑफिशियल चैनल की, मैंने कहा शूटिंग देख के आता हूँ, देखो वो चल रही है। बढ़िया इस हमारे ये शूटिंग डायरेक्टर है सर। डायरेक्टर साहब नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब अच्छा लगा आपसे मिलके। देखिए पूरा सेटअप हुआ है, चल रही है शूटिंग। देखो ये हमारे नेतक भाई ये मनीष भाई, हमारी बहन, देखो देखो हमारी क्रू टीम, हम बना रहे हैं इधर। चलो हमारा पैकअप हो चुका है सब चीज़ों का, तो ये हमारे मेरा नाम है नैतिक, आज करूंगा मेरा नितिका है इसका नाम, नितिका है। ये हमारे मनीष भाई जो कि रिपोर्टर बने थे आज, इसका नाम है आयुषी, जो बहुत ही बढ़िया। और हमारे क्रू मेंबर्स थे देखो इधर पे, आपको मैंने बताया था ये हमारी पूरी टीम है, बढ़िया। इनके चैनल को देखना हो, चैनल का नाम क्या है भाई? पागल से ऑफिशियल, जरूर चेक करें आप यूट्यूब पर जाकर के, आपको यहाँ पर लाइन में दिख रहा होगा, जरूर देखें। गाइस मस्त नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, आज मैं नहाया शाम के बजे बज चुके हैं अभी 5:26, आज दिन में निकल गया और काम भी थे बहुत सारे, आज थोड़ा मूड ज़्यादा ख़राब है भयंकर। आप लोग थोड़ा समझाना था गाइस, अगर जो भी मेरे यूथ और 18+ लोग देख रहे हैं, तो आप लोग को एक बात कहनी है, समझा मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ POV कि गाइस ये आप सोचते हैं इज्जत, ये 18+ के बच्चे जितने हो जाते हैं सोचते हैं इज्जत, इज्जत कुछ नहीं होती, सिर्फ होता है पैसा। अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छी जॉब पे जाएंगे, अच्छी बिजनेस करेंगे, पैसा आएगा वही आपकी इज्जत देंगे, इज्जत कुछ नहीं होता। अगर आप सोचें कि इज्जत आती होती है पैसे से, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई रिलेटिव नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा आपको। मैं मानूँ आपके इज्जत कोई माने, आप कोई को कुछ भी आप मांगो, कोई आपको 1,00,000 रुपये देता तो मैं मान जाऊँ, इसीलिए इज्जत कुछ नहीं होती, सब कुछ होता है। अगर आप समझें तो आप मेहनत करेंगे, कामयाब होंगे तभी आपको इज्जत मिलेगी, पैसा कमाएंगे तो इज्जत मिलेगी, वैसे इज्जत नहीं मिलेगी। आप कुछ करेंगे टैलेंटेड करके दिखाएंगे तभी आपको इज्जत मिलेगी। तो गाइस थोड़ा मतलब ध्यान रखें, मतलब मोह माया से ना निकलें, मोह माया से परे हों, ऊपर थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं, अच्छे से काम जिसमें आप किसी भी फील्ड में मतलब किसी भी फील्ड में आप अच्छे हों उस फील्ड में जाएं, अच्छा काम करें, लगन से काम करें, मतलब अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो। काम अभी आपसे जरूर चुन के आपके पास आएगी, ये मेरा वादा है। तो भाई मैं आप थोड़ा शेयर करूँ बहुत दिन से, क्योंकि मैं रोज़ देख रहा हूँ कुछ ना कुछ नए मतलब सोल्यूशन, भैया ये हो गया भैया ये, मेरे से बहुत लोग आते हैं कहते हैं, मैंने ठीक है, लेकिन मैं आपको ही बता दूँ सजेशन, आपको अगर थोड़ा सा भी मदद आया होगा जरूर वीडियो को लाइक कर देना। रात के बज चुके हैं 8:30, अब लग रही है बहुत तेज भूख, मैंने आज मतलब मैंने 1 बजे से कुछ नहीं खाया, सुनने से मैं भी कुछ नहीं खाया, आज मैं अच्छी खुशबू आ रही है घर से, कोई अच्छा अच्छा बनाए, देखते हैं पहले क्या बनाए और क्या खाते हैं। तो गाइस डिनर बने हैं भरवा के बैगन और छोले आलू और रोटी, हम और कौन खाएंगे, खाओगे ना? नहीं खाना क्यों, खा लिया ओके, हम खा लें ओके। और हम देख रहे हैं यहाँ पर अनुराग डोवाल का भाई, क्योंकि आज मीटअप था एल्विस भाई का, सब लोग गए थे, पापा के साथ खाते खाना, पापा के साथ खाओगे ठीक ओके, हम खा लें। अभी खाना पीना मस्त हो चुका है, अभी जीतू भैया फोन आया था, उनके ढाबे पे जा रहे हैं,
क्योंकि दोस्त का बर्थडे भी है और भैया जी तुझे से मिलना है, काफी दिनों से मिले नहीं, चलिए चलते हैं। रात के बज चुके हैं 9:15। गाइस हम लोग आ चुके थे जीतू भैया के ढाबे पे, हम लोगों ने खाना बनवाया। देखो ये चावल, भैया 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 के ढाबे पे आया, भैया ने बिना खाना खिलाया भेज नहीं सकते। हम लोग बैठ गए, हम लोग खा रहे हैं अभी दाल चावल और रोटी बड़ी है, मक्के की रोटी है, आटे की रोटी है, मक्का की रोटी है। चलो खाते हैं, आपको मक्के की रोटी खानी हो तो आ सकते हैं आप हमारे फेमस ढाबे जय बुंदेलखंड ढाबा, यहाँ जो है चक्रपुर रोड पर नेशनल हाईवे 44 नंबर है। जब भी आए आप लोग यहाँ से निकले जय बुंदेलखंड ढाबा, हम तो नहीं मिलेंगे लेकिन भैया मिलेंगे, दो में से कोई जरूर मिलेगा, आप लोग जरूर आए। हम लोग अभी खाना इन्जॉय करते हैं, रात के बज चुके हैं 12, हम आ चुके हैं फाइनली अपने रूम में। तो आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, जीतू ये होटल से तो आगे खाना पीना खा के मस्त, आज जीतू जी ने बहुत ज़्यादा प्यार कर दिया, बहुत सारा खाना खिला दिया, पेट भर चुका था मैंने, लेकिन एक्स्ट्रा खाना खा लिया, कोई बात नहीं। तो भाई मतलब कल मंडे सुबह मतलब 12 बजने के 1 मिनट पहले तक 11:59 तक बोर्डिंग खा ली, मतलब बोर्डिंग होनी है। तो गाइस प्लीज़ दम से अब मेरे एलएस भाई को, आप अपने एलएस भाई को सबके, क्योंकि भाई उनकी बात अलग है, बहुत जेन्युइन आदमी है, डाउन टू अर्थ है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें गाइस, दिल से सपोर्ट करें। मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है, जिस दिन वहाँ पर जाना है लाइव पर जाना है, वहाँ पर बोर्डिंग पर क्लिक करना है, नीचे रेस्ट नहीं करना, रेस्ट कर लेना पहले, उसके बाद हो पाएगा रेस्ट से, मतलब भाई एक बंदा एक ही करे, मैं तो कह रहा नहीं कर पा रहा, तो एक जरूर करे, बार बार बोर्ड करे तो भाई एलएस भाई जरूर जीतेंगे। भाई कोशिश करो ज़्यादा ज़्यादा लोग करो, क्योंकि भाई एलएस भाई जीतेगा तो बहुत अच्छा लगेगा सभी को। आज कितना भयंकर मीटअप रहा, क्योंकि मीटअप मज़ा आ गया गाइस देख करके, 1 लाख से जनता ज़्यादा जनता आई थी, पूरा सिस्टम हैंग कर दिया। तो गाइस सिस्टम हैंग करना है तो एलएस भाई को जिताना है, भाई सभी लोग सपोर्ट करें, एलएस भाई को जरूर जिताएं, कैसे ना करके भाई एलएस भाई को जिताना है और सिस्टम हैंग करना है, ट्रॉफी आनी चाहिए बस एलएस भाई के पास, हाँ तुम्हें ट्रॉफी देखना है कैसे करके। तो भाई आज के ब्लॉग आपको पसंद आया हुआ लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नया हूँ सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज के लिए अलविदा, मैं अभिजीत जैक्सन, जय हिंद जय भारत।